हेलो फ्रेंड्स, तो ये i20 कार है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और मीटर में भी जो लाइट है, इमोबिलाइजर की जो लाइट है वो बिलिंग करना चाहिए तो बिलिंग नहीं कर रहा है, और चेक इंजन लाइट है एक बार आके और चला जा रहा है तुरंत ही। जस्ट इसकी जो फ्यूज वगैरह है सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्यूज वगैरह में, फ्यूज वगैरह सब चीज़ चेक कर लिए हैं ऑलरेडी और फाइनली आगे की प्रोसेस इसमें चेक करते हैं। बैटरी भी हमारा ओके है, गाड़ी सेल्फ भी ले रही है। गाड़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होके गई थी पर वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद में गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, जिसके वजह से गाड़ी जो है दोबारी आई है और इसको स्टेप बाई स्टेप चेक करते हैं क्या दिक्कत है। इस गाड़ी में फाइनली जो दिक्कत पाई हमें नज़र आई वो है ECM में दिक्कत, क्योंकि एक तो इमोबिलाइजर की लाइट नहीं आ रही थी और दूसरा आपकी जो चेक इंजन लाइट है एक बार आकर के और फिर दोबारा तुरंत ही चली जाती थी एक सेकंड में। स्कैनिंग किए, स्कैनिंग में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, कहने का मतलब स्कैनर ही कनेक्ट नहीं हो रहा आपके गाड़ी में, जो है स्कैनर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ECU कनेक्टिंग फॉल्ट दिखा रहा है, यानी कि स्कैनर जो है ECM से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और इसी में फॉल्ट था फाइनली, तो हमने खोल के भेज दिया मार्केट रिपेयर होने के लिए। अब रिपेयर होके आता है फिर इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, तो ये i20 की ACM रिपेयर होके आ चुका है और अब इसको लगा करके और फाइनली जो है चेक कर रहे हैं, तब इसको लगा रहे हैं और ये जो है ACM की कपलर बैठा दिया हमने और ये अर्थ की तार जो है एक निकाला था इसको हमने लगा दिया। लगाने के बाद चाबी ऑन कर रहे हैं और ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं चेकिंग है, लाइट भी बिलिंग नहीं कर रहा है और सिक्योरिटी लाइट यानी कि इमोबिलाइजर की लाइट भी परमानेंट अब जल रहा है। अब स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी जो है प्रॉपर स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अब ये देख सकते हैं गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है और सारे लाइट जो है चली गई हैं, किसी तरीके कोई लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर गाड़ी में दिक्कत आए, गाड़ी में आपकी इमोबिलाइजर की लाइट ना आए और जो चेक इंजन लाइट है वो भी बिलिंग करे, इसमें जो है ACM की प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से इस टाइप की दिक्कत आती है, तो आप ACM को रिपेयर करवा के अपने कार को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, चाहे i20 के कोई भी मॉडल हो या Hyundai की कोई भी कार हो, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कोई नई जानकारियाँ मिली होगी। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक लिए गुड बाय।